भाइयों, दिन के 11:30 बज चुके हैं और मैं कहीं जाना सोच रहा था, लेकिन ऐसे में कहाँ निकला जाए। ये देखिए, बादल छाए हुए हैं आसमान में। ये चौक में बारिश है, अब तो बंद है। खैर, भाइयों, इससे फायदा हो गया हमारे लेंटर पड़ने से, जान बच गई। एक तो पशु यहाँ हैं, दो अंदर बंदरी गाय और भैंस। ये गाय एक कटिया है बड़ी, ये बाहर हैं, और ये हमारी कुट्टी मशीन, इसकी जान बच गई। अभी काम रह रहा है यहाँ, थोड़े से नीचे कुछ पत्थर या टाइल लगवाएंगे। ये देखिए, लेंटर से कितना फ़ायदा हुआ, गाड़ी भी आराम से खड़ी है, और मतलब छावा होना चाहिए किसान के पास, बिना छावे के फजीता रहता है। लंबी गैरेज होगी, यहाँ भी हमने लेंटर डलवा दिया इसके सामने, और दोनों ट्रैक्टर बुग्गी में गोबर भरा हुआ है, ये भी आराम से अंदर खड़े हैं, और एक ट्रैक्टर HMT शेर पुराना अंदर खड़ा है। ये भैंस हमारी अंदर बंद रही है, देखिए आप, और ये गाय बैठी है अंदर, इनके दोनों लवारे अंदर हैं। तो छावा तो होना चाहिए, बिना छावे के काम नहीं चलता। थोड़ा सा चौक रह गया खुला हुआ, अब ज़्यादा खुले की आवश्यकता नहीं होती। बस 10-12 साल में इतनी भीड़ हो जाएगी गांव में, क्योंकि न्यू मेरठ में हमारा गांव आ गया। फिर हमारा चक बिल्कुल रोड पर ही है गांव के निकट, वहीं बनाएंगे बड़ा सा घेर, उधर शिफ्ट करेंगे। अभी जूते पहन रहा है बबलू, पहना रहा है इसको। हाय, अभी ये शैतान है, बिना स्कूल में जाए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए सोच रहा है कि यहीं पढ़ाई कर लूँ। ये देखिए, फारसी भाषा लिख रहा है। ये देखिए, गिल्ला हो गया सारे में। ये गांव के घर ऐसे होते हैं भाइयों। ये हमारा घर है आपका, ये हमारे सब खानदानी रहते हैं इधर। आगे रास्ता बंद है, एक ही परिवार के लोग हैं सभी, मतलब एक दादा की औलाद है। और ये हमारा आमने सामने घर है, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये घेर, ये सामने घर, ऊपर को आने जाने का रास्ता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी के गांव में कर्फ्यू तो लगता ही नहीं, जैसा जैसा रात हो जाए बाड़कन ने ऊपर को उतर जाओ, दिन में वे गेट और ये ज़्यादातर बंद रहते हैं। देखिए, एक साइड हमने पेंट कराया दोनों तरफ, एक से टाइल है। अभी देखो, टाइल भी साफ नहीं हुई, काम अधूरा है, वो पेंटर नहीं आया, हमारा दोबारा साफ होना है इनको। अभी एक छोटे छोटे पिल्ले हैं, ये बेचारे कुत्ता और बैठा है देसी गांव के, इनको भी खाना खुलाया था, फिर खुलाएंगे। अभी बेटे अब क्या कर रहे हैं, रेडियो की आवाज़ सुन रहा है? ये छोटा बबलू है भाइयों, अभी ये 2.25 साल का हुआ है, और फ़ोन लेके ऐसे चलाता है, लग रहा है ये भी आने वाले समय में यूट्यूबर ही बनेगा। हो सकता है हमसे भी अच्छा काम करे, क्योंकि हमने तो बहुत दिन बाद में यूट्यूब संभाला, ये तो बचपन से ही संभाल रहे हैं, देख रहे हैं अपन लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अभी मैं अगली वीडियो में गेहूँ में क्या डालना है इस टाइम पे, वो चीज़ बताऊँगा। नमस्कार।